हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रिया सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ्रिज में कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो रेगुलेटर जो यहाँ पर लगा है इसको अगर हम डिफ्रॉस्ट करते हैं तो कई बार जो बटन है वो अंदर की तरफ ही दबी की दबी रह जाती है और फ्रिज कूलिंग नहीं होता। तब हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारी फ्रिज खराब हो गई या कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें चेक करना है कि थर्मोस्टेट के बीच में जो डिफ्रॉस्ट वाली बटन है वो कई बार बाहर नहीं आती है, तो उसको कैसे हम बाहर ला सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको बाहर लाने के लिए हमें सिंपल कुछ भी ज़्यादा नहीं करनी है, इस बटन को ऐसे पकड़ना है और यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे तो ये जो दोनों बटन है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ खींचते ही यहाँ पे जो डिफॉल्ट वाली जो बटन है ये बाहर आ जाती है। इसके बाद हम फिर से इस बटन को इसमें लगाएंगे। तो फिर से हम इस बटन को ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो डिफॉल्ट वाली बटन है इसको भी यहाँ पर से लगा सकते हैं। इस तरह से ये जो डिफॉल्ट वाली बटन है वो बाहर आ जाएगी और हमारी फ्रिज फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो डिफॉल्ट वाली बटन है उसको बाहर निकाल सकते हैं और इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फिर जब हम फ्रिज ऑन करेंगे तो हमारी जो फ्रिज है वो चालू हो जाएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखकर अगर आपका कोई काम बनता है तो वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।